बोल रहे मैं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर पहलवान, आज अपनी बेटी से मिलने आया, मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया इन लोगों ने, जिस वजह से मेरे मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी बुआ, इसकी माँ। रात में मेरा बेटा पानी मांगता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उस लेडी ने एक घूंट पानी नहीं पिलाया मेरे बेटे को, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अरे इंसाफ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मदद करो मेरी, मेरा बेटा गया, मेरी पोती तो मुझे दिलाओ, कुछ तो करो बेटा, ये आदमी को मत छोड़ो, तो आज मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूँ और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी हुई है। ग्रेट खली जी का एक रेसलर है, उनका स्टूडेंट है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे से जूनियर रेसलर है वो, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं रहा और उसका मर्डर किया गया है। अभी मेरी उसके घर वालों से, उसके पास जो रेसलर है, उन सभी से बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि इसका मर्डर किया गया है और पुलिस वाले FIR तक दर्ज नहीं कर रहे। इसीलिए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, हर केस में ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जितने भी केसेस अभी मेरे पास आए सभी में ये प्रॉब्लम होती है कि पुलिस वाले FIR तक नहीं करते। और वो एक बंदा ग्रेट खली का रेसलर है, उनका स्टूडेंट रह चुका हुआ है, उसका मर्डर किया गया है उसकी वाइफ की तरफ से, उसकी वाइफ की घर वालों की तरफ से। और इतनी शर्म की बात है भाई, हमारा ये लॉ, हमारा ये सिस्टम किधर जा रहा है भाई? उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? और मुझे दुखी भी हूं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मुझे जब भी मिलता था बहुत प्यार से मिलता था, बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात करता था और मुझे उसे मिलना भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता था, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था। हालांकि जूनियर सीनियर वाली हमारे में कभी बातचीत नहीं रही, क्योंकि मैं हर एक रेसलर को, चाहे वो मुझसे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, मैं सेम ही ट्रीट करता हूं हर किसी को। तो मुझे, मैं दुखी भी हूं, गुस्सा भी हूं कि भाई तू इतने बड़ी प्रॉब्लम में था, तूने मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? अब उसकी कल रात को वीडियो आई है, उसने मरने से पहले वीडियो बनाई है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि मैं अब मरने वाला हूं। तो भाई तेरे, तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था यार, मुझे पहले कॉन्टेक्ट कर लेता, मैं तेरी उसी समय मदद कर सकता था। अभी भी मैं, अभी चाहे मैं, हमारा भाई हमारे साथ अब नहीं रहा, ये एक बहुत बढ़िया रेसलर था, तो अब मैं पहले मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब पूरी पूरी इनकी फैमिली की मैं मदद करूंगा। और पुलिस वाले इसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे, हरियाणा का ये केस है, कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही। जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने इसको मारा है, घर बुला के इसको पहले मारा गया, फिर जहर पिलाया गया, फिर उसके बाद फिर से मारा पीटा गया, फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, पूरी वीडियो है मेरे पास जिसमें सारा कुछ दिखेगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। फिर इसको घर से बाहर निकाल दिया गया, ये घर के बाहर तड़पता रहा, वीडियो बनाई, ये पानी तक मांगता रहा कि मुझे पानी तो पिला दो, मेरी जान निकल रही है। वो इतने ज्यादा घटिया लोग थे, उन्होंने इसको पानी तक नहीं पिलाया और ये बंदा वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। ये अपनी अपनी बेटी से मिलने गया था, तो इन्होंने उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया, फिर इसको घर के अंदर बुला के मारा भी गया, जहर पिलाया गया, बहुत गलत हुआ यार इसके साथ। अगर भाई तो मुझे पहले कॉन्टेक्ट कर लेता तो आज ही ये चीज मुझे सुनने को ना मिलती कि ये भाई आज ये रेस्लर हमारे साथ नहीं रहा, मैं पहले ही इस चीज में बहुत कुछ कर देता। लेकिन अब जो भगवान को मंजूर था वो हो चुका हुआ है, इतना कुछ होने के बाद भी सारी वीडियोस बनी है, हर एक चीज है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपको मैं ना वीडियो दिखाता हूं, फिर पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और जितने मेरे भाई आप सभी देख रहे हो ना, मुझे आप सभी की सपोर्ट की भी जरूरत है, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट के साथ ही मिलके हम इस भाई को इंसाफ दिलवाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। जिन लोगों ने ये हरकत की है, एक बहुत बढ़िया रेसलर हमसे छीना है, उन सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर पूरी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा कि आगे हम इस केस में अब क्या करने वाले हैं। भाई उसी लाइट छोड़ दो भाई, एक आधी लाइट छोड़ दो। हेलो भाई, आप सभी सुन रहे हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर पहलवान, आज अपनी बेटी से मिलने आया, मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया इन लोगों ने, जिस वजह से मेरे मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी बुआ, इसकी माँ सुरभि भाटी, सिमले सिंह, उपदेश अवाना, लखिंद्र अवाना, विपिन चौध, विपिन भाटी,
सबके सामने मेरे मरने की, और मैं दिन से यूपी भी गया, यूपी भी मुझे मारा कूटा इन लोगों ने, ये मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे ये लोग। ये उनका उत्तम नगर में घर है, जिनके पास में आया, जिनके पास में आया, इनके मकान मालिक मुझे घुसने तक नहीं दे रहे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये रो रो के सभी के नाम भी ले रहा है, कौन कौन बंदे इसकी मौत का कारण बने हैं, किन किन की वजह से इस भाई की जान गई है, तो ये सारे बंदों के खिलाफ अब सख्त से सख्त हम FIR करवाएंगे, सख्त से सख्त केस दर्ज करवाएंगे और सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे इन सभी लोगों को जिन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। तो अभी इस केस में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि इसकी मदर का क्या कहना है। तो सबसे पहले आप इसकी मदर का बयान सुने कि क्या हुआ है सारा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा अब इस केस में और मुझे आप लोगों की कैसे हेल्प चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मेरे बेटे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, अरे इंसाफ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मदद करो मेरी, मेरा बेटा गया, मेरी पोती तो मुझे दिलाओ, कुछ तो करो बेटा, ये दे आदमी को मत छोड़ो, हमारे तो बस्ते चलेंगे कि भाई नहीं मारेंगे भाई, भाई रेस बना नहीं करा, मैं कुछ नहीं चाहिए, पूरा परिवार खत्म कर दिया, एक माँ मार दी, एक कोक मार दी, एक घर में लोग लगा दिया, कोई इंसान नहीं है, दरिंदे दरिंदे वो दरिंदे तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसकी मदर का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है यार, और जिनका बेटा गया हो तो आप सारा कुछ देख सकते हैं वीडियो में, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए यार, ये हमारे सिस्टम में ऐसा क्यों होता है। कोई भी आप केस उठा के देख लो, जितने भी पास में मेरे पास केस आए हैं सभी में ये प्रॉब्लम आती है, पुलिस वाले FIR तक दर्ज नहीं करते। तो क्यों नहीं दर्ज हो रही FIR भाई, क्यों इस केस को इतना लमकाया, एक बंदे की जान चले गई है, पुलिस वाले अभी तक FIR नहीं कर रहे, और जहां तक मुझे सुनने को आया है कि जो लड़की वालों का परिवार था उसको पुलिस स्टेशन लेके गए थे, लेकिन 2-3 घंटे बाद उनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भाई एक बंदे की जान चले गई है, क्या आप किसी बड़े आदमी का कॉल करवा के एक कत्ल के केस को, एक मर्डर के केस को छुपा सकते हो? मुझे बिल्कुल इस समय समझ नहीं आ रही और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। तो अभी जितने मेरे भाई आप लोग देख रहे हो ना, अब मुझे आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। आप सभी ने क्या करना है, इस वीडियो को जितना ज्यादा आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप सभी ने पहुंचाना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इस केस की आवाज थोड़ी ऊपर तक उड़ सके। और मैं भी पुलिस वालों के पास जाऊंगा, अभी उनसे सारी बातचीत करूंगा, इनकी फैमिली से भी मिलूंगा, और उन पुलिस वालों को हम दिखाएंगे कि हमने सोशल मीडिया पे ये वीडियो आपकी शेयर की है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जो कि आप नहीं कर रहे, और लाखों की तादाद में लोगों ने ये वीडियो देख ली हुई है। तो अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लगाएंगे, जाम लगाएंगे, और वहां की जो हरियाणा की मौजूदा सरकार होगी उनके MLA को भी जाके दिखाएंगे कि लाखों की तादाद में लोगों ने ये वीडियो देखी है कि आपकी सरकार में एक बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा इस चीज से। सोशल मीडिया एक बहुत तकड़ी पावर है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें, एक बड़े लेवल तक इसको वीडियो को हमने सबसे पहले फैलाना है, फिर जाके वहां पे प्रेशर क्रिएट करना है। क्योंकि देखो ये केस पंजाब का नहीं है, पंजाब का होता तो जैसे मैंने बाकी केसों को हैंडल किया है, ये केस को बहुत इजीली मैं हैंडल कर रहा, ये एक अलग स्टेट का केस है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से इस चीज को हैंडल करेंगे, इस केस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, आप सभी ने अगर आप इस भाई की रेस्लर की मदद करना चाहते हैं आपने सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, बाकी सारा काम मेरे ऊपर है।
हमने सोशल मीडिया पे प्रेशर क्रिएट करके फिर पुलिस वालों को दिखाना है। अगर आप लोगों ने अब कार्रवाई नहीं की तो फिर मैं यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करूंगा, हम धरना लगा देंगे, सड़क में जाम लगा देंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा राइट है, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करना भी हमारा राइट है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है, अगर वहां की गवर्नमेंट ये चीज देख रही है या वहां के पुलिस वाले देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, इस केस को ध्यान से देखिए, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े जिससे कल को आप लोग बोले कि भाई आप हमें पहले बोलते, हमने इसकी FIR अच्छे तरीके से दर्ज कर देते। तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग पहले ही इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर दीजिए, हमें जरूरत ही ना पड़े, हमारे आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है भाई, किसी बंदे की जान गई है तो उसको इंसाफ देना पुलिस वालों का काम क्या, उनका फर्ज है इस चीज को करना, और आप लोग कर नहीं रहे। उसके मैंने घर वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें FIR तक नहीं करवाई जा रही, एक रिपोर्ट तक नहीं आप लोग लिख रहे हो। भाई बहुत शर्म की बात है जब मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं यार और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, तो बहुत गुस्सा आता है इस बात को सुन के। तो फिलहाल अभी इनकी फैमिली से मिलूंगा, सारी बातचीत करूंगा, फिर अगर नहीं पुलिस वालों ने अब FIR नहीं की तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, हम प्रेशर से FIR करवाएंगे, क्योंकि FIR तो होके रहेगी, इस भाई को इंसाफ मिलके रहेगा, और जिन बंदों ने इसकी जो वाइफ है और उसकी वाइफ की जो फैमिली है, जिन्हों जिनका इस बंदे ने नाम लिया है, उन सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि पता नहीं यार उन लोगों ने कितना इस बेचारे को परेशान किया होगा, कितना इसको मेंटली टॉर्चर भी किया होगा, और कितनी बुरी हालत हुई पड़ी थी उसकी। मुझे बहुत लेट हो चुका जब तक ये वीडियो मेरे पास पहुंची, या इसने खुल के सामने आके बात की, उसके बाद इस भाई की डेथ हो चुकी थी, घर के बाहर इनके पड़ा रहा और किसी ने पानी तक नहीं पूछा, तो बहुत तड़प तड़प के भाई की जान निकली है। लेकिन अब इंसाफ दिलवाना हमारे जो समाज है सभी की जिम्मेदारी बनती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश नहीं करेंगे, मैं तो कहूंगा कि इंसाफ दिलवा के रहेंगे, क्योंकि ये हमारे फील्ड का ही बंदा है, हमारा ही रेसलर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, तो अब इंसाफ दिलवाना इसको हमारी जिम्मेदारी है।